लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर की है घटना। जी हां, जिला अस्पताल में तैनात वार्ड आया नीलम यादव का शव पोस्टमार्टम परिसर में बने एक नाले में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। 2 बजे तक अस्पताल में की थी ड्यूटी और ड्यूटी करने के बाद नहीं पहुंची थी महिला अपने घर। परिजनों ने जब अस्पताल के परिसर में ढूंढा तो नाले में पड़ा मिला शव और सीसीटीवी फुटेज में महिला अकेले नाले की तरफ जाती हुई दिखी। सूचना पर एएसपी मैनपुरी मौके पर पहुंचे और घटना की गहनता से छानबीन शुरू की। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के जिला अस्पताल परिसर का है। यहाँ पर नीलम यादव, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है, जो कि अस्पताल में वार्ड आया के पद पर तैनात है, उनका शव पोस्टमार्टम के पास बने नाले में पड़ा मिला। परिजनों के अनुसार नीलम यादव ने 2 बजे तक अपनी ड्यूटी की, जिसके बाद वो अचानक गायब हो गई। घर वालों ने हर तरफ छानबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन देर शाम फिर से अस्पताल परिसर पहुंचे और उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते समय जब वो परिसर में बने पोस्टमार्टम गृह के पास पहुंचे तो देखा कि नीलम यादव का शव नाले में पड़ा हुआ है, जिसके बाद इस आशंका के चलते कि नीलम यादव कहीं अभी भी जिंदा तो नहीं है, उनको लेकर इमरजेंसी पहुंचे और वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद कोहराम मच गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में अस्पताल कर्मी और परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं अस्पताल परिसर में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत के चलते एएसपी मैनपुरी ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। तो क्या 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 हुआ है यहाँ? सर हमारी लड़की सुबह से ड्यूटी आई है, 2 बजे घर पर नहीं गई, तब हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। कहाँ नौकरी करती लड़कियाँ? जिला अस्पताल में। किस पोस्ट पर? अच्छा, तो ढूंढा नहीं आप लोगों ने? हमें एकदम ढूंढने लगे। पुलिस को सूचना नहीं थी? पुलिस एफ आई आर कर हम गए। कहाँ मिली वो? ये श्रीमती नीलम यादव हैं, जो यहाँ पे वार्ड आया के पद पर कार्य थे जिला अस्पताल में। आज वो ड्यूटी ऑफ करने के पश्चात जब घर नहीं पहुँची तो परिजनों को तलाश किया तो ये मोर्ची के पास जो सेकंड गेट है, जो हमेशा बंद रहता है, उस छोटा सा नाला है, उसमें मृत अवस्था में मिली है। मृत संदेह अवस्था में हुई है, पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और जैसे ही हमको तय मिली हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैं हरवीर सिंह प्रजापति, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, जनपद वासियों को एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, भैया दौज और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हाल ही में जो आज उपचुनाव खुले हैं उनमें जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं उनको भी बधाई देते हैं।